फाइनली कस्टम ड्यूटीज मैंने पे कर दी हैं। एक पैकेज अभी तक मेरे पास आया है और मेरे पास ईमेल आई बेसिकली अली एक्सप्रेस की तरफ से कि आपका जो पैकेज है वो हमने भेज दिया है आपकी कंट्री में, अब आपकी जो पोस्टल सर्विस है वो आपको पहुंचा देगी। ठीक है, सो जब पोस्टल सर्विस ने मुझे पहुंचाया तो इस तरह की एक स्लिप दी जिसके ऊपर जाहिर है कस्टम ड्यूटी मुझे पे करनी थी। मैं पहले आपको बता दूँ, रीपैकिंग चार्जेस इन्होंने 30 रुपीज़ लगाए हैं, देन आई गेस इस पे पोस्टेज ड्यू या पोस्टल फी है 15 रुपये की, कस्टम क्लियरेंस फी 1544 रुपये की इस पे लगी हुई है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, और जो सब टोटल मेरा बना है वो है 1589, यानी के 11 रुपये कम है, तकरीबन 1600 रुपये होने में। सो ये मेरे पास एक चीज़ है जो कि ऑथेंटिकेशन है कि कस्टम क्लियरेंस हो चुकी है। ठीक है, अब ये पैकेज ऐसा है कि मुझे पता नहीं इसके ऊपर डिटेल नहीं, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और वो माइक्रो सेट होल्डर किट, जैसे कि माइक होल्डर होता है आप टेबल पे उसको क्लैम कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है और वो फिक्स हुआ है, इसको मैं मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये वो वाला होल्डर था जो कि आई गेस $18 या 17 या $17.5 का, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 3100 रुपीज़ की दरमियान पड़ी थी, लेकिन अराउंड 1600 रुपीज़ इसके अंदर हमने ऐड करते हैं सो आपकी जो कॉस्ट है वो 4500 रुपये के करीब बन जाती है। मार्केट में ये प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में कराची में मार्केट है वो अवेलेबल है इस वक्त 5500 से 6000 रुपये के दरमियान में, यानी कि अभी भी हम जो है ना वो प्रॉफिट में ही हैं। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद भी तकरीबन 1200-1200 रुपये के प्रॉफिट में है वहाँ से मंगवाने के बावजूद भी। अब इसको ओपन करूंगा और देखते हैं कि कोई डैमेज वगैरह ना हो, क्योंकि मुझे एक डर सिर्फ ये है कि ये यहाँ पे आके ओपन हो चुका है तो इसकी ऑथेंटिकेशन वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अगर इसमें कोई डैमेज या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या अली एक्सप्रेस इसको क्लेम करेगा या डिस्प्यूट में डाल के मेरे जो पैसे हैं वो मुझे रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर होंगी, और मुझे पूरा भरोसा है अपने कस्टम के ऊपर और इन्होंने अच्छे से इसकी हैंडलिंग की होगी। सो इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि अंदर जो पैकेजिंग है वो सही से डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। अच्छा, काफ़ी मतलब अच्छे से इन्होंने पैक किया, एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं। सो ओके, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। अच्छा, इसमें मुझे अब अली एक्सप्रेस का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि अली एक्सप्रेस की तरफ से ये चीज़ें आई हैं। इन केस अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हुए हों और मैं कैसे इसको क्लेम करूँगा मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन प्लीज़ जो इसकी ओरिजिनल रसीद थी अली एक्सप्रेस की वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ एक ये यहाँ पे स्टिकर है, यहाँ पे एक स्टैम्प लगा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे एक और स्टिकर है जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं वो स्टिकर क्यों लगा हुआ है। ये बेसिकली स्टिकर है। सो करते अब ये हैं कि इस बॉक्स को नीचे रखते हैं और दुआ ये करते हैं कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सही सलामत हो। तो नंबर वन पे एक यहाँ पे मेरे पास एक क्लैंप है, इन सब चीज़ों को मैं अनरैप करूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक आई गेस उसको मुंह से जो हवा निकलती है उसको रोकने के लिए ये पॉड होता है। देन यहाँ पे ये एक माइक होल्डर है विच इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, देन फाइनल जो मेरा मेन प्रोडक्ट था विच इज़ ये माइक होल्डर या इसको माइक होल्डिंग किट भी कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं अनरैप करता हूँ और फिर आपके साथ शेयर कर, ये मैं वन बाय वन इसको अनरैप कर रहा हूँ। अभी तक तो काफ़ी बेहतर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वेट। ठीक है, सारा जितना भी प्लास्टिक है उसको आप प्रॉपर डिस्पोज कर दें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितना भी आपका प्लास्टिक है वो सब डिस्पोज करें, कचरा नहीं करना, कचरा फैलाना नहीं है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अली एक्सप्रेस से जो मैंने डिलीवरी मंगवाई है, जो प्रोडक्ट ये मंगवाया है, इसकी कोई रसीद नहीं है मेरे पास, कोई रिसिप्ट नहीं है कि ये अली एक्सप्रेस से आया है। बेसिकली मेरे पास ईमेल ज़रूर आई है अली एक्सप्रेस से, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इन केस अगर यहाँ पे ये स्प्रिंग लेट से लगी हुई है और ये टूटी भी आती तो हाउ कैन आई क्लेम दिस प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस को, मैं कैसे दिखाऊंगा कि ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस का है यार। सो जो भी
इदारे हैं जिन्होंने इसको ओपन किया है, प्लीज़ इसके अंदर वो रिसीट ज़रूर डालें ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एटलीस्ट हम हैंडल तो कर सकें। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली ये एक क्लैंप है, ठीक है, काफ़ी हैवी ड्यूटी और काफ़ी ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। इसके अलावा ये एक पॉड है जिसमें बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रख के बोलूँगा, यहाँ मेरा माइक लगा है तो जो एयर फ्लो मेरे मुंह से निकल रहा है, जो मैं सांस ले रहा हूँ, वो ये जो है ना इसका जो यहाँ पे रखा हुआ है कपड़ा वो उसको रोक लेगा। देन आई हैव दिस होल्डर जो कि बेसिकली अगर आपके पास टेबल है, ये टेबल पर इस तरह से क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। ये होल्डर है माइक होल्डर, बेसिकली मेरे पास फिलहाल माइक नहीं, माइक भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया हुआ है। सो ये तो प्लास्टिक है, बाकी सारी चीज़ें ये भी मेटल है, दिस इज़ आल्सो इन मेटल, दिस इज़ इन प्लास्टिक। सो काफ़ी मतलब ठीक है, इतना क्लमजी भी नहीं है। इसके अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर भी लगे हुए, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ ये फोकस, ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर भी लगे हुए हैं। सो प्रोडक्ट ठीक हालत में पहुंच गया, इसको जल्दी से मैं असेंबल करके आपको फाइनल इसका आउटपुट दिखाता हूं। अच्छा, मैंने इसको फिगर आउट कर लिया, मैंने बॉक्स में देखा तो एक ये स्क्रू भी था, वो बेसिकली स्क्रू जो ये होल्डर है यहां पे हम इसको स्क्रू करेंगे एंड देन इसके अंदर हमारे पास एक और नट है, उसको हम यहाँ पे बेसिकली स्क्रू कर देंगे। ठीक हो गया, ओके, ये यहाँ पे स्क्रू हो गया। देन यहाँ पे एक क्लैंप था, वो क्लैंप यहाँ पे माउंट कर दिया। अब करना बेसिकली ये है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ इसको मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, और जब आप इसमें बात करेंगे तो आप इसको अकॉर्डिंगली अपने फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, हर तरह से आप माइक को घुमा सकते हैं, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बार बार स्क्रीन पर इसलिए देखता हूँ कि आप लोग को सही से नज़र आए। सो काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है, तकरीबन मुझे ये पड़ गया है 4,500 रुपये का, जो कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे ये 5,500 से 6,000 रुपये का यहाँ की मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसको आई गेस कहते हैं माइक होल्डिंग किट या कुछ इस तरह से कहेंगे। उसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड है बेसिकली, ये अलहदा से अगर मैं लेने जाऊँ तो ये 1,500 से 2,000 रुपये का सिर्फ ये पॉड होता है, आई गेस इसको पॉड ही कहते हैं। लेकिन मैं इस वक्त काफ़ी इम्प्रेस हूँ प्रोडक्ट से, और मैं ये रिकमेंड भी करूँगा आप लोगों को कि आप लोग अली एक्सप्रेस नहीं, अगर यहाँ की मार्केट से ही मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लें, क्योंकि आपको पता नहीं ड्यूटी किस हिसाब से और कितनी ड्यूटी लग रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मैंने कितने परसेंट से ड्यूटी दी है, और 3,000 के प्रोडक्ट पर लगभग 1,600 रुपये यानी 50% से ऊपर मैंने ड्यूटी पे करी है। लेकिन प्रोडक्ट सही कंडीशन में मेरे पास आ गया, बस एक शिकायत मेरे पास जो मैं रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, वो शिकायत मेरी ये है, कोई रसीद नहीं है, कोई स्लिप नहीं है। सो प्रॉब्लम ये होगा कि जब प्रोडक्ट में कोई इशू आएगा, कोई डिफ़ॉल्ट पे जाएगा या कोई डिस्प्यूट क्लेम करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि वो एक रसीद ज़रूर मांगते हैं कि ये प्रोडक्ट उनकी तरफ से ही डिलीवर हुआ है। सो बस एंड में अब ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना चाहते हैं तो कर लें। आपका चैनल है, पाकिस्तान का चैनल है। अल्लाह हाफिज़।